हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास टेंथ में फिफ्थ चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेबस जो आपका रिड्यूस हुआ है, इसमें से रिड्यूस नहीं हुआ। पहली बात, ये आपका टोटल सिलेबस आएगा इस चैप्टर का, जितना भी सिलेबस है। पहले तो हम सिलेबस पे गौर करते हैं। चैप्टर हमारा है ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सिलेबस क्या है देखना बेटा ध्यान से। सिलेबस में सबसे पहले लिखा है नीड फॉर क्लासिफिकेशन। हमें क्लासिफिकेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी। अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, अर्ली अटेम्प्ट बताते हैं क्लासिफिकेशन के। अर्ली अटेम्प्ट में आते हैं या अर्ली जो पीरियोडिक लॉ है उनके बारे में डिस्कस करना है। कौन कौन से, डोवर्नियर ट्रायड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टोपस एंड मेंडली पीरियोडिक टेबल। फिर हमारा आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर इसमें आता है ग्रेडिएशन इन प्रॉपर्टीज, बैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम 2021 में आएगा। कोरोना का इस सिलेबस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो चैप्टर की जो एनालिसिस करते हैं उसमें देखिए ध्यान से। सबसे पहले 2017 में अर्ली पीरियोडिक जो लॉ हैं, जो आपके डोवर्नियर, न्यूलैंड, ऑक्टोपस, मेंडली, इन पर क्वेश्चन 2017 में नहीं आया। 2018 में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है, 2019 में भी नहीं आया है। तो इस वर्ष आपका अर्ली अटेम्प्ट यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पर इस बार 2021 में 99% ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। किस पर आएगा, जो अर्ली अटेम्प्ट मॉडल हैं, डोवर्नियर ट्राइड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टोपस, मेंडली पीरियोडिक लॉ, इन पर क्वेश्चन 2018 में आया था, तब से अभी तक नहीं आया है। 2021 में अर्ली अटेम्प्ट पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर तक का। ठीक है बच्चों, अभी क्या करना है, अभी आप ध्यान से समझेंगे। अगर आप ध्यान से देखें 2018 में 5 नंबर का क्वेश्चन और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था अर्ली अटेम्प्ट से और एक क्वेश्चन आया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज में। यानी आप ध्यान से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अभी क्या करना है। 2019 में अर्ली अटेम्प्ट से नहीं आया, ना 2017 में आया और ना तो ये 2020 में आया, इसलिए अर्ली अटेम्प्ट पर 5 नंबर का क्वेश्चन 2021 में पूछने की संभावना है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे टॉपिक पहला, पीरियोडिक लॉ एंड देयर लिमिटेशन। पीरियोडिक लॉ एंड देयर लिमिटेशन को समझिए। सबसे पहले हम आपको रिवाइज कराएंगे, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चन से पढ़ने से पहले इनके लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक लॉ एंड देयर लिमिटेशन में सबसे पहले आता है नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये सिलेबस का पहला पॉइंट है। आप अगर सिलेबस में जाएं तो उसमें आप देखें नीड फॉर क्लासिफिकेशन लिखा है। तो क्वेश्चन पहला, सबसे पहला है कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। तो देखिए, टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट इजी, एलिमेंट की स्टडी करना आसान हो जाए। एलिमेंट हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स, एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इन सच वे दैट एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव ए सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो ग्रुप बनाए गए हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक साथ रखा गया है। जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उन्हें एक साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। नाउ स्टडी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इज रिड्यूस्ड टू ए फ्यू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास लगभग 118 एलिमेंट्स अगर हैं तो उनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए ग्रुप में डिवाइड किया गया। जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है, जिससे आसानी से हम स्टडी कर सकें। समझ में आ गया, हमें क्यों आवश्यकता पड़ी पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। कई सारे एलिमेंट्स को
हम उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ में, जैसे जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है, इसलिए कुछ ग्रुप बने, उन कुछ ग्रुपों से स्टडी करना आसान हो गया है। तो आप लिखेंगे नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, टू आप लिख सकते टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजी, इसीलिए हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया है। डोवर्नियर ट्राइड्स, ये हमारा फर्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है जिसे डोवर्नियर ने दिया था। इसमें है व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। देखिए मेंडलीव तक हमारा जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को रखने का है वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, व्यवस्थित किया गया उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, ओके, और ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स के जो ग्रुप होते हैं उन्हें हम ट्राइड्स कहते हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है? सिमिलर होती है। तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देखिए कैल्सियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये तीन एलिमेंट्स हैं। इन तीन एलिमेंट्स में एटॉमिक मास कैल्सियम का, स्ट्रॉन्शियम का, बेरियम का ये दिया है, तो एटॉमिक मास का बढ़ता क्रम है। उनको एक ग्रुप में तीन तीन एलिमेंट रखे, ट्राइड्स का मतलब है कि ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स। ट्राइड्स का मतलब क्या है? ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर है, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ इन्हें ग्रुप में बांटा गया, जे के ग्रुप में तीन तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया डोवर्नियर ट्राइड्स। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है, मिडिल वाले का एटॉमिक मास है, वह एवरेज एटॉमिक मास होगा फर्स्ट और थर्ड का। अगर आप फर्स्ट और थर्ड को जोड़ दें, उसका आधा कर दें, तो सेकंड वाले का एटॉमिक मास निकल आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट का, इधर देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, इन दोनों के एटॉमिक मास को जोड़ दें और उनका आधा कर देंगे तो बीच वाले का एटॉमिक मास निकल आएगा। तो ये इनकी कंडीशन है, इन्हें इस हिसाब से अरेंज किया है। एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज होता है बीच वाला, ठीक है, मिडिल वाला। डोवर्नियर ट्राइड्स क्या है कोई पूछे, तो पहले सुन लो, ट्राइड्स का मतलब है कि तीन एलिमेंट्स एक ग्रुप में रखे गए हैं और बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखे गए हैं। बीच वाला मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास एवरेज होगा फर्स्ट और थर्ड का, दिस इज कॉल्ड डोवर्नियर ट्राइड्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, लिमिटेशन क्या होती है, हर चीज की लिमिटेशन होनी चाहिए। जैसे डोवर्नियर की ट्राइड्स समझ में आ गया, अब उसकी लिमिटेशन, डोवर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली थ्री ट्राइड्स, डोवर्नियर ने केवल तीन ट्राइड्स बनाए। ये जो ट्राइड तुम्हें दिख रहा है ये तो एक ट्राइड्स है, ऐसे उन्होंने तीन ट्राइड्स बनाए। He was not able to prepare triads of all the known elements. उनकी ये limitation है कि जितने element उस समय ज्ञात थे उन सभी element का triads नहीं बना पाए। उन्होंने केवल तीन triads बनाए। कितने triads बनाए? तभी तो लिखा है Dovernier could identify only three triads. वो केवल तीन triads का निर्माण कर सके। He was not able to prepare triads of all the known element. उन्होंने जितने known element है प्रत्येक का triads नहीं बना पाए। ये इनकी limitation है। आप लोग जो है Dovernier triads में आप NCERT में देखिएगा, देखिए ये आपके तीन ग्रुप दिए गए हैं, A, B और C। बच्चों अभी आपको हमने दिखाया था जिसमें केवल आपको एक ही ग्रुप दिया गया था एज ए सैंपल। अभी यहाँ पर जो डोवर्नियर ने टोटल ट्राइड्स तीन बनाए हैं, ए बी सी। ग्रुप ए में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक दिया गया, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, ओके, केमिकल प्रॉपर्टी, पहले केमिकल प्रॉपर्टी में सेम है ये, समझ रहे हो, इन्हें एक साथ रखा गया था। और ग्रुप बी में कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम रखा गया है।
और ग्रुप सी में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रखा गया है। तो तुम्हें कोई पूछे कि भाई डोमिनियन ने बाकी एलिमेंट्स का क्यों नहीं बना पाए ये ट्राइड्स, तो आप तुरंत कहना बाकी एलिमेंट का इसलिए नहीं बना पाए कि जो बीच वाले एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है पहले और तीसरे का वो उनमें नहीं आ रहा था। भाई ट्राइड्स जो बनाए थे वो किस आधार पर बनाए थे, उन्होंने बनाए थे कि पहले एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो एवरेज आ रहा है वो बीच वाला मिडिल का होना चाहिए, यानी मिडिल का एटॉमिक मास इन दोनों का एवरेज होना चाहिए। लेकिन ऐसा केवल इन तीनों में हो पाया ग्रुप में, बाकी अन्य में नहीं हो पाया, इसलिए ये केवल तीन ही ट्राइड्स बना पाए एज पर डोवर्नियर। तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक में जो फास्फोरस का एटॉमिक मास जो है इन दोनों का एवरेज है नाइट्रोजन आर्सेनिक का, तो आप याद करेंगे मेरे साथ में ग्रुप ए एलिमेंट, ग्रुप ए एलिमेंट में एटॉमिक मास का बढ़ता क्रम है जिसमें कौन है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, उस समय एटॉमिक नंबर नहीं नोन था बेटा, समझ में आ गया। फिर ग्रुप बी में कौन है कैल्सियम स्ट्रोंगियम बैरियम, फिर ग्रुप सी में कौन है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। तो इस तरीके से ये हमारे तीन और तीन छह तीन नौ टोटल नाइन एलिमेंट्स को उन्होंने तीन ग्रुप में अरेंज किया, बाकी एलिमेंट्स को नहीं कर पाए क्योंकि उनका ट्राइड्स नहीं बना। ट्राइड्स की पहली कंडीशन थी कि एलिमेंट तीन होने चाहिए, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए, और मेन चीज थी कि जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होना चाहिए। तो ये बेटा ट्राइड्स तीन थे, ओके। तो इस तरीके से इसमें लिखा है यू विल फाइंड दैट ग्रुप बी एंड सी फ्रॉम डोवर्नियर ट्राइड डोवर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली थ्री ट्राइड्स, लिखा है। क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में डोवर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली फोर ओनली फाइव ओनली थ्री ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम, हैज दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड्स वाज नॉट फाउंड टू बी सक्सेसफुल। इसलिए पूर्ण रूप से ये क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल का सक्सेसफुल नहीं था, समझ में आ गया। बच्चों डोवर्नियर ट्राइड्स में तीन ग्रुप कौन कौन से थे, जिसमें पहले ग्रुप में लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंगियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन अभी आप ऊपर देखा होगा आपने इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक कैल्शियम स्ट्रोंगियम बेरियम फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये इन्होंने, अब तुम कहोगे सर जी ये तो ये नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक है यहाँ, और इसमें क्या है डोमिनेंट ट्राइड्स में लिथियम सोडियम पोटेशियम है, हम किसको प्रीफर करेंगे सर, आपने तो कहा था कि भाई ये तीन ही ग्रुप बनाए हैं, तो इसमें तो ये, इसमें ये एलिमेंट एक ये एक ये एक ग्रुप ये हो गया, तो फिर क्या लिथियम सोडियम पोटेशियम था कि नहीं था, आपका क्वेश्चनबाजी होगा ये पूछना। बच्चों ये लिखा है यू विल फाइंड दैट ग्रुप बी एंड सी फ्रॉम फी, किसमें लिखा फॉर्म डोवर्नियर ट्राइड्स, बी और सी बना रहा ना, ध्यान से देखो ये आपका नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, ये ट्राइड्स बना ही नहीं था, अगर आप ध्यान से देखो ना 14 और 74.9 का एवरेज करो कितना आएगा, तब 44 से के आसपास आएगा, लेकिन यहाँ कितना है 31 है, तो ये ट्राइड्स नहीं है डोवर्नियर में, याद रखना नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक नहीं है, इसे नहीं रखा गया। आप देखे ना यू विल फाइंड, आप पाएंगे क्या ग्रुप बी एंड सी फॉर्म डोवर्नियर ट्राइड्स, समझ में आया, इन दोनों का एवरेज ये निकलेगा, इन दोनों का लगभग ये एवरेज निकलेगा कि ये वाला नहीं है, तो इसलिए ये तीन ट्राइड्स थे मेन। पहले ट्राइड्स में लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम का एटॉमिक मास आपको पता होगा, लिथियम का कितना होता है, लिथियम का होता है 6.9 और उसका होता है 39.0 पोटेशियम का, तो दोनों का एवरेज निकल गया आया था 23 यहां पर, ये आपका कंसीडर किया जाएगा। तो डोवर्नियर ट्राइड्स में याद रखना लिथियम सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम स्ट्रोंगियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीन ग्रुप थे, ये एनसीईआरटी में जो दिया गया है ग्रुप ए नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक इसको हटा करके आप लिथियम सोडियम पोटेशियम कर दीजिएगा, यहां पर लिथियम सोडियम पोटेशियम कर देना आप लोग, ये वाला डोवर्नियर ट्राइड्स का रूल जो है बीच वाले का एटॉमिक मास एवरेज होना चाहिए, ऐसा नहीं आ रहा इसमें, ओके। तो डोवर्नियर ट्राइड्स में तीन थे ये ग्रुप आपके सामने लिखे हैं, लिथियम वाला और फिर कैल्शियम और ये क्लोरीन वाला।
डोवर्नियर ट्रैट्स का पूरा नाम है जॉन वोल्फगैंग डोवर्नियर। एक्चुअली इन्होंने स्टडी की थी, फार्मासिस्ट थे ये, फार्मासिस्ट माने फार्मेसी से रिलेटेड थे, ड्रग से, जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में काफ़ी काम किया और प्रोफेसर बने थे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी की यूनिवर्सिटी ऑफ जीना में। डोवर्नियर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये जो चीज आपको अंडरलाइन कर रहे हैं यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डोवर्नियर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट, उन्होंने प्लेटिनम को कैटलिस्ट के रूप में लिया था, यानी प्लेटिनम कैटलिस्ट का काम करता है, ये बात डोवर्नियर ने पहले खोजी थी। एंड द डिस्कवर्ड सिमिलर ट्राइड्स ऑफ एलिमेंट, और उन्होंने सिमिलर जो ट्राइड्स हैं बनाए थे विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। इन्होंने दो बातों पे मेन काम किया था जिसके लिए इनको याद किया जाता है। पहला जो है प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, दूसरा उन्होंने ट्राइड्स बनाए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी के ट्राइड्स बनाए, समझ में आ गया। इसलिए इन दो बातों के लिए इनको याद किया जाता है, इनके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। बच्चों लास्ट में हम यही कहेंगे कि डोवर्नियर ट्राइड्स का लिमिटेशन भी पढ़ के जाना है। तो डोवर्नियर ट्राइड्स में डोवर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली थ्री ट्राइड्स, डोवर्नियर ने तीन ट्राइड्स को फाइंड किया है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी के। ही वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर ट्राइड्स ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट, उन्होंने जितने एलिमेंट उस समय ज्ञात थे उन सबका ट्राइड्स नहीं बनाया। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, डोवर्नियर के समय कितने एलिमेंट ज्ञात थे, कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। हाउ मैनी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे डोवर्नियर के समय। तो आज का बेटा टॉपिक हमारा कैसा लगा?